हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा शनिवार को सोनीपत पहुंचे और शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रबंधन कमेटी प्रशिक्षण सह सम्मेलन में हिस्सा लिया और विभिन्न स्कूलों द्वारा चलाई गई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा में शिक्षकों की गलत तरीके से भर्ती की गई थी। उन्होंने कहा कि नकली टीचरों की जो भर्ती हुई थी, यह मामला आज भी कोर्ट में लंबित पड़ा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में 130 स्कूलों की बिल्डिंग समर्पित की जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 25 लाख से भी अधिक बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त CBSE की भी शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो रही है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राई से विधायक मोहनलाल बडौली और भाजपा के जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा भी मौजूद रहे। आप पहले उनके वो नकली भर्ती हुए वे टीचर देखूंगी कि जो उन्होंने 4 लाख नकली बच्चे दिखा करके उनके एवज में वो कौन से रिश्तेदार थे जिनको नौकरियां दी, वो कौन सी वजह है कि जो आज कोर्ट में वो पड़े हुआ है, लंबित मामला है, वो क्या कारण है कि उन 4 लाख बच्चों के वजीफे कहाँ गए, वो जो 4 लाख बच्चों की वर्दियां हैं, किताबें, वो कहाँ गई। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी का सुझाव सिर आंखों पर है, उनकी छोड़ी हुई सारी कमी को हम पूरा करेंगे कि हम अपने हरियाणा में भी अभी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से लगभग 130 स्कूलों का या तो हम बिल्डिंग समर्पित करेंगे या हम फाउंडेशन स्टोन रख के हम नई बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। तो ऐसे ही पहले भी कुछ बिल्डिंग्स बनी है, हमारा जिम्मेवारी लेने से पहले भी कुछ बिल्डिंग्स बनी है। आपकी जानकारी के लिए आज सरकारी स्कूल में लगभग 25 लाख से ज्यादा बच्चे सेवाएं ले रहे हैं और ये बहुत बड़ा इजाफा है। दूसरी बात आपको बताती हूँ, आज सरकारी स्कूलों का स्तर ये है कि आप ही के सरकारी स्कूल के बच्चे नीट की परीक्षा, IIT की परीक्षा पास कर करके आज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे चुन करके जा रहे हैं और वो लिस्ट भी हम आपको मुहैया करा देंगे। और इसके साथ साथ हमारी एक शिक्षा सारथी नाम की महीने की पुस्तक छपती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा है हमारे जितने बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए हैं, एक हमारा बच्चा है पंचकुला शायद, और उसका 93 रैंक आया है नीट में, 2 डिजिट में सरकारी स्कूल का बच्चा रैंक लेकर के उत्तीर्ण कर रहा है। तो मैंने इनसे कहा है कि वो सारे बच्चे जो हैं उनकी पिक्चर के साथ, फोटो के साथ उनकी पूरी डिटेल उसमें लिख करके दें और वो हम सबको उपलब्ध कराएंगे। सोनीपत से अर्थ प्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट।